तो स्टूडेंट एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में एक और क्वेश्चन देखिए। अमंग द फॉलोइंग वेव फंक्शन विच इज ऑब्लिक आर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ए एंड के आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। फर्स्ट इज साई इज इक्वल टू ए ई टू पर माइनस के एक्स स्क्वायर, एट एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी, चाहे इन्फिनिटी का स्केयर करो या माइनस इन्फिनिटी का स्केयर करो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो e टू पर माइनस इन्फिनिटी इज जीरो यानी फाइनाइट। तो प्लस माइनस इन्फिनिटी अगर x की वैल्यू ले तो वे फंक्शन फाइनाइट है, और अगर x की वैल्यू फाइनाइट ले तब तो फाइनाइट है ही है। इसका मतलब इन ऑल स्पेस गिवन वे फंक्शन इज फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड भी है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है e की पर माइनस ये जो है ग्राफ ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। उसके बाद इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया ये आ गया, एक्स जो है वो स्लोली वाला फंक्शन है, ई टू पर माइनस के एक्स के लिए रैपिड फंक्शन है। अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखिए तो ई की पर माइनस इन्फिनिटी जीरो यानी फाइनाइट। अगर एक्स की वैल्यू जीरो देखेंगे तो ये जीरो इंटू समथिंग ये जीरो यानी फाइनाइट। तो इसका अगर डी साई वाई डी एक्स चाहे इन्फिनिटी हो चाहे जीरो हो एक्स की वैल्यू फाइनाइट इन ऑल स्पेस, सिंगल वैल्यू तो है ही और कंटिन्यूस भी है। एक और चेक करना है इंटीग्रल मोड साइज के डी एक्स विद इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये मोड साई स्टार इंटू साई यानी मोड ए स्केयर और ये टू पर माइनस टू के एक्स स्केयर। सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको मैंने एक्साइज के लिया, एक्स स्केयर ये आ गया, एक्स की वैल्यू ये डी एक्स ही आ गया। देयरफॉर ये इंटीग्रेशन किसके बराबर, मोड ए स्केयर, इसकी जगह क्या लिख दिया एक्साइज स्केयर, और डी एक्स की जगह ये, और ये इवन फंक्शन है तो डब्ली फैक्टर आ जाएगा, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या बन जाएंगे जीरो से इन्फिनिटी। और ये जो फंक्शन है ये गामा ब्रैकेट में हाफ की वैल्यू होती है, गामा हाफ इज रूट पाई बाई टू, तो सोल्व करके फाइनाइट आया। देयरफॉर साइज स्केयर इंटीग्रेबल, देयरफॉर ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, देयरफॉर ये गिवन वेव फंक्शन इज फिजिकली एडमिसिबल। अब आती है सेकंड बात, इसमें ये फंक्शन फाइनाइट भी है, सिंगल वैल्यू भी है, कंटिन्यूस भी है। डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकेंड वन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, तो e टू पर माइनस के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव e टू पर माइनस के एक्स स्क्वायर तो आई इंटू इंटू माइनस टू के एक्स, और एक एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, तो ये फाइनाइट भी है, सिंगल वैल्यू भी है, कंटिन्यूस भी है। अब हमें लास्ट कंडीशन चेक करनी है स्क्वायर इंटीग्रेबल, मोड ए स्क्वायर, साई स्टार भी यही है, साई भी है, तो एक्स स्क्वायर e टू पर माइनस टू के एक्स स्क्वायर। अब ये फिर इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में डबली फैक्टर आता है, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या बन जाएगा जीरो से इन्फिनिटी। ये इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है गामा फंक्शन में, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, दिस इज इक्वल टू गामा ब्रैकेट एन प्लस हाफ, गामा ब्रैकेट एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और डाउन से में टू अल्फा रेस्ट पर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, जो गामा के ब्रैकेट में वही अल्फा की पावर होती है, टू यहाँ पे आएगा। गामा हाफ जो होता है दैट इज रूट पाई ओवर टू होता है, और तो ये जो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टू मोड ए स्क्वायर, इसको इसके साथ टैली किया, ये एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे टू के है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू टू के, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, गामा ब्रैकेट एन एन इज टू, टू प्लस वन थ्री बाई टू, अल्फा की जगह टू के और ये थ्री बाई टू, गामा ब्रैकेट थ्री बाई टू कितना होता है हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ इज रूट पाई बाई टू, सॉल्व करके ये वैल्यू फाइनाइट है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज आल्सो एडमिसिबल और एक्सेप्टेबल। तीसरा जो है टेन के एक्स का भी देखते हैं। थैंक यू।